म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, और उसके लिए लोकनायक, जीटीबी और राजीव गांधी, तीन जो बड़े अस्पताल हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इनके जो केसेज हैं उनको आप अलग से देखिए, उनका सर्विलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, और जो भी सर्जरी की आवश्यकता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। तो अभी हमने जो वार्ड हैं वो बना दिए हैं, और जो डॉक्टरों का जो पैनल है, टीम है, उसका गठन कर दिया है, जो इस बीमारी के लिए अलग से म्यूकरमाइसिस के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करेंगे। इसमें एक चेस्ट फिजिशियन है, एक ईएनटी सर्जन है, एक आई सर्जन है और एक फिजिशियन है। तो ये सब लोग इसका इलाज करेंगे, और इसके साथ साथ जो दवाई है उसकी भी समुचित व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है वो यहाँ से हमने जो भी डिमांड आगे के लिए प्रोजेक्ट किए वो हमने सरकार को भेजी है। आज हमारे पास 12 पेशेंट्स हैं और सारे के सारे पेशेंट्स को हम एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दे रहे हैं। 12 में से 6 पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनका ब्लड शुगर 400 से लेकर 600 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ज़्यादातर हमने देखा कि उन्हीं लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, या जिन्होंने स्टीरोइड का लंबे टाइम तक दुरुपयोग किया है, ओवरडोज ली है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास वो आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या छोटे डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे, और वो 20 दिन 25 दिन एक एक महीना स्टीरोइड खाते रहे क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, तो उन्होंने स्टीरोइड ज़्यादा लिए। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ, साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोरोना तो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, पर वो दूसरी बीमारी को जन्म दे दिया जो ब्लैक फंगस है, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस है, उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो